असल माय डियर स्टूडेंट्स होप यू आर ऑल फाइन आई एम योर मैथ टीचर जुनैरा फ्रॉम अलाइट स्कूल अल्फर कैंपस टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज फाइव बी क्वेश्चन नंबर एलेवन परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन आपने क्या करनी है डिवीजन को फॉलो फॉलोइंग क्या करनी है इन क्वेश्चन में डिवीज़न को ठीक है ये सिंपल है आपने चेक करना है माइनस सेवन के टेबल में सिक्सटी थ्री कब आता है ठीक है माइनस सिक्सटी थ्री तो आप सेवन नाइन ज़ार क्या आता है सिक्सटी थ्री आता है तो आपने माइनस लगाया तो यह इसका आंसर माइनस है अगर सेवन के साथ भी माइनस होता तो फिर यहाँ पे क्या आना था माइनस नहीं आना था ठीक है अब एक नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पर इस वजह से माइनस आ गया ठीक है सेवन के टेबल में नाइन पर सिक्सटी थ्री आता है माइनस ये वाला आ गया अब क्या करना है वन ट्वेल्व माइनस सेवन सेवन वन जार सेवन में से फोर माइनस के टू फोर और ऊपर से क्या आ गया टू सेवन सिक्स जार फोर्टी टू ठीक है तो यहाँ पे क्या है आपके पास एक आंसर एक एक में है ना मतलब माइनस इसमें नहीं है तो ऊपर भी लगेगा आंसर फिर ठीक है तो आपके पास आंसर क्या है माइनस सिक्सटीन आएगा ठीक है क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर एक नंबर के साथ है तो आंसर में भी आएगा अगर दो नंबर के साथ होता है तो वो आपस में क्या हो जाते हैं कट हो जाते हैं जब एक के साथ हो तो आंसर में भी आएगा और माइनस एट के टेबल में आप चेक करें फिफ्टी सिक्स कब आता है माइनस एट माइनस फिफ्टी सिक्स एट को आपने किस करना है एट को सेवन से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सिक्सटी सिक्स आ जाएगा फिफ्टी सिक्स आ जाएगा तो आपका आंसर क्या है सेवन क्योंकि ये माइनस माइनस से कट हो गया ओके okay, अब आपके पास क्या है माइनस ट्वेंटी टू थ्री वन माइनस का और माइनस इलेवन अब दोनों के साथ क्या है माइनस है तो आपके आंसर में क्या आएगा माइनस नहीं आएगा इलेवन वन एलेवन टू जार ट्वेंटी टू थ्री में से टू गया वन एलेवन वन जन तो आपके पास आंसर क्या है ट्वेंटी वन आ गया आपका आंसर ठीक है माइनस ट्वेंटी थ्री ठीक है आपको ये सिंपल डिवीजन थी आपने क्या करना है टेबल पढ़ना है सेवन के टेबल में सिक्सटी थ्री कब आता है नाइन पे आता है तो दोनों में माइनस नहीं है सिर्फ एक में है तो आंसर में भी माइनस आएगा आपने वन टवेल्व को डिवाइड किया सेवन पे तो आपने सेवन के टेबल में सिक्सटीन पे एट वन टल्व आता है दोनों में माइनस नहीं है सिर्फ एक में है तो आंसर में भी आएगा यहाँ पर दोनों में माइनस था तो माइनस ये वाला माइनस माइनस से कट हो जाएगा तो एट के टेबल में फिफ्टी सिक्स अब आता है सेवन में आता है ठीक है और नेक्स्ट क्या है माइनस टू थ्री वन डिवाइड किया आपने माइनस ये आपके पास डिवीजन हुई तो आपके पास इन दोनों में माइनस था माइनस माइनस से कट हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा आंसर जो है क्या है ट्वेंटी वन आ जाएगा नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल करनी है या आपने रूल है ये पहले भी आप लास्ट क्वेश्चन में आपने समझे हैं टू ने अगर टू जो है पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ फिर टू जो है वो इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है ये इसका आंसर है ठीक है ये इसके आंसर गिवन है तो आपने यहाँ से देखना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैक्स में क्या आएंगे तो टू पहले थ्री से मल्टीप्लाई हुआ यानी टू पहले थ्री से मल्टीप्लाई हुआ फिर प्लस आ गया टू फिर कौन से नंबर से मल्टीप्लाईगा टू फिर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा ठीक है अब ये माइनस थ्री है ये भी माइनस थ्री है यहाँ से हम क्या इधर क्या लिखेंगे कि इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए फाइव यहाँ मैं क्या लिखूँगी नाइन लिखूँगी नाइन लिखूँगी तो फिर क्या होगा माइनस फोर माइनस फोर और प्लस नाइन जब मैंने किया तो मेरे पास प्लस फाइव आएगा ठीक है अब माइनस फोर में से नाइन माइनस किया तो मेरे पास फ़ाइव आ गया यहाँ पे नाइन आएगा अब क्या है इलेवन को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है सेवन के साथ ये आपके ब्लैंक में है ठीक है इलेवन को पहले सेवन से मल्टीप्लाई किया है तो इलेवन पहले सेवन से हुआ है फिर इलेवन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू से ठीक है तो एलेवन यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा टू आ जाएगा मिसज अहमद वाज बोर्न आपका क्वेश्चन नंबर थर्टीन है मिसिज़ अहमद वॉज बोर्न इन एटीन नाइन्टी एट यानी एटीन नाइन्टी एट में वो पैदा हुई एंड डाइड और वफार पा गए इन नाइनटीन सेवेंटी वन हाओ लॉन्ग डिड शी लिव यानी आपने उनको बताना है एज बतानी है कि वो कितना टाइम जो है वो जिंदा रहीं इतने टाइम में वो पैदा हुई और इतने टाइम में उन्होंने वफार पाई तो एज बतानी है तो आप क्या करेंगे जितने साल वो ज़िंदा रही उसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे नाइन्टीन सेवनटी वन माइनस एटीन नाइन्टी एट नाइनटीन सेवेंटी वन माइनस एटीन नाइन्टी एट को जब आपने माइनस किया क्या आएगा वन में से एट नहीं जाता तो क्या किया कैरी ले लिया एलेवन में से एट माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा थ्री आ जाएगा आपने इधर से क्या लिया अब आपके पास इधर सिक्स है और नीचे नाइन है तो इधर से सॉल्व नहीं होगा तो आप इधर से क्या ले लेंगे कैरी अब सिक्सटीन अब सिक्सटीन में से आपने ना क्या निकालने हैं नाइन निकाल देने तो आपके पास क्या आएगा सेवन आ जाएगा यानी जो उनकी एज थी वो क्या थी सेवनटी थ्री उनकी सेवनटी थ्री ईयर्स उनकी एज थी जितने साल वो जिंदा रही द ग्रीक मैथमेटिशियन एराठोज वॉज बोर्न इन टू सेवेंटी सिक्स बी सी एंड डाइड इन वन नाइन्टी फोर बी सी फाइंड हाउ लॉन्ग ही लिव यानी उन्हें बताना है वो कितने साल जिंदा रहा आप इस ये भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आपने क्या करना है ग्रेटर वाले साइन क्या लिखना है टू सेवनटी सिक्स जब वो पैदा हुआ उसको इस वाले नंबर में से क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे टू सेवेंटी सिक्स माइनस वन नाइन्टी फोर सिक्स में से फोर माइनस क्या टू आ गया सेवन में से नाइन नहीं जाता तो आपने क्या ले लिया कैरी ले लिया सेवेंटीन तो आपने सेवनटीन में से क्या करने नाइनटीन निकाल देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा एटी टू तो यानी वो एटी टू ईयर्स क्या रहे ज़िंदा रहे यानी वो इसमें इससे इतना ही वॉज बोर्न इन टू सेवेंटी सिक्स इस टाइम पैदा हुए और इस टाइम में उन्होंने पाई तो दरमियान में क्या होता है जब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा इतने साल वो क्या रहे जिंदा रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है एट noon ऑन अ सर्टन डे इन Hunza, द टेम्परेचर रोज़ टू एलेवन सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो मिड नाइट द temperature फेल टू फाइव सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो Find द चेंज इन टेम्परेचर जहाँ पर रोज़ की बात हो रही है यह रोज़ की बात हुई है तो इसका मतलब यह है कि प्लस है जहाँ पर फेल की बात हुई है यहाँ का मतलब, यह मतलब, यह मतलब यह है माइनस है यानी गिर गया टेम्प्रेचर एट नून रोज़ हुआ तो हमने क्या लिखा प्लस इलेवन सेंटीग्रेड टम्परेचर ऐट मिड नाइट यानी फेल हुआ यानी माइनस फाइव सेंटीग्रेड तो आपने चेंज इन टम्परेचर बताना है चेंज के लिए हम क्या करेंगे इस नंबर को इस नंबर में से माइनस कर देंगे आप क्या करोगे इलेवन को माइनस कर दोगे इस वाले नंबर में से तो आपका आंसर क्या गया एलेवन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइव तो आपका आंसर क्या गया सिक्सटीन सेंटीग्रेड ये आपका क्या है आंसर है थैंक यू